दोस्तों तीसरा लाइव है, ठीक है। ये तीसरा लाइव है और फिर एक बार मैं लाइव पर आया हूं तीसरी बार। पता है क्यों? क्योंकि यार बात ही कुछ ऐसी है। भोजपुरी सिनेमा की जुबली स्टार है मिस्टर दिनेश लाल यादव, निरहुआ सर, जेंटलमैन है, सांसद बन चुके हैं। हमारा आपका हम सभी का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर एक बार कोशिश करते हैं, एक और जरिया मिला है और सर से जुड़ने की। और मैंने मुझे एक इनवाइट आया है और जिन्हें मैंने इनवाइट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। और अब अगर सब ठीक रहा तो इस बार निरोवत सर से बात हो जाएगी, और नहीं तो सर को मैं कहूंगा कि सर आ गया, आ गया, वाह वाह। अरे पता है क्या हो रहा है, जिस फोन से हम लोग लाइव आ रहे हैं ना उसमें इतना फोन कॉल आ रहा है, इतना बज रहा है कि वो फिर दिक्कत हो रही है। तो ये अभी संजय के उसी से हम लोग अभी जुड़े हैं। हाँ सर, कोई जी बात नहीं है बताइए सर, धर्म भैया। कम से कम किसी भी जरिए आप मिल गए, कोई बात नहीं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे लिए इतना तीसरी बार आ रहे हैं। और सर सबसे पहला तो यही सवाल है, योगी जी से आज आपकी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, सर क्या कहा उन्होंने आपको, और क्या कुछ आपने आश्वासन दिया है कि मैं ये सारे काम कर ले जाऊंगा? मैं उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे मैंने यही कहा कि कुछ ऐसे काम है जो तत्काल होना जरूरी है। तो उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया कि तुरंत जो वहां से उन काम को तत्काल उसका बजट बना के भेजा जाए और वो तुरंत होना शुरू हो जाए, काम होने लगे। क्या बात है तो सर। तुरंत हाँ वैसे उन्होंने आदेश कर दिया। अच्छा सर, आप सांसद तो अब हो ही गए हैं, सबसे पहले आजमगढ़ के लिए कौन सा काम करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले पहला काम? पहला काम तो होने जा रहा है कि बरसात में जो हमारा देवारा क्षेत्र है आजमगढ़ का, वो जी बरसात होते ही सारे वहां के जो करीब 30-40 हजार घर ऐसे हैं जो या तो फंस जाते हैं या तो उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। उस पे 12 पुल बनाने की आवश्यकता है जगह जगह पे, वो सब मैंने आज दे दिया और वो आदेश हो गया, अब तत्काल उस पे काम शुरू हो जाएगा। क्या बात है सर, शायद आपको पता नहीं है लेकिन पिछले एक दो दिनों से जब से आप जीते हैं, एक तस्वीर बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें हम मनोज तिवारी सर को, रवि किशन साहब को और आपको देख रहे हैं। और जो कैप्शन है एक से एक लिख रहा है, एक यूजर ने लिखा था कि इंडस्ट्री को त्रिदेव मिल गए भोजपुरी को, तो एक ने आप लोगों की फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती उस सीन को याद किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये जब मनोज भैया मिलते थे, जब रवि भैया मिलते थे, तो वो लोग भी यही बात कहते थे कि चिंता मत करो, गंगा जमुना पहुंचे हैं, सरस्वती भी पहुंच ही जाएगा। तो फाइनली जनता का आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया, और कहीं ना कहीं पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया और ये हो गया। जो अच्छा सबसे बड़ी बात क्या थी, आपने देखा होगा ये जो आजमगढ़ का रण था वो बहुत कठिन मतलब समीकरण है वहां पर। मुझे अगर किसी चीज ने वहां पे सफलता दिलाई तो वो ये थी कि जो हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है जो गांव गांव तक तो पहुंची है, जो अभी भी राशन बढ़ रहा है, लोगों के घर बने हैं, तो जिन लोगों को सुविधाएं मिली है उन लोगों ने साथ दिया, वो चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उन तक लाभ पहुंचा, किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा, कहां कभी किसी सरकार में होता था। तो ऐसे लोगों ने साथ दिया तब जा करके ये संभव हो पाया। तो इसमें जो डबल इंजन की सरकार है उसके कार्य के वजह से ही ये संभव हुआ, नहीं तो ये काम सच में असंभव था। सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है जनता में, इसलिए हो पाया ये। और सर साथ तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टारों का भी था, अन्य लोगों का भी था, अलग अलग जगत से भी था, लेकिन हमेशा ही आपके सामने, आपके साथ में मैं प्रवेश जी को देखता था, आपके छोटे भाई, आपकी दोस्त आम्रपाली जी को देख रहा था, और रवि जी आए, मनोज जी आए, स्पेशली पवन सिंह खुद आए और आकर के पहले दिन ही आपका समर्थन और साथ दिया, तो इन्हें जी कितना ज्यादा आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा और बहुत आभारी हूं मैं अपने पूरी इंडस्ट्री का, क्योंकि सब लोग
आए और आकर के पूरा माहौल बना दिया, पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि खाली एक निरहुआ नहीं वहां चुनाव लड़ रहा है, वहां मनोज तिवारी भी लड़ रहे हैं, वहां रवि किशन जी भी लड़ रहे हैं, वहां पवन सिंह जी लड़ रहे हैं, स्मृति जी लड़ रही हैं, आम्रपाली जी लड़ रही हैं, उसके बाद नीलम गिरी जी लड़ रही हैं, और संजय पांडे जी लड़ रहे हैं, हमारे सुशील भैया लड़ रहे हैं, और बतासा चाचा गांव गांव में एकदम घुस के बोले, अरे भैया उनके वो ना मिले हैं तो हम भाई हमके पकड़िया लोग। तो ये तो था ही, ऊपर से थोड़ा हम लोगों को काम ये भी किया कि जैसे कि समाजवादी पार्टी की आदत है, समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में स्थापित करने वाले कलाकार ही हैं, कलाकारों ने गाना गा गा के उनकी पार्टी को घर घर में लोगों के रग रग में बसाया था, और उन्हीं कलाकारों को अपशब्द और अभद्र टिप्पणियां करने लगे तो सब कलाकार भी बोले कि नहीं, ये अब ये लोग गलत बात कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कलाकारों को बता रही है कि ये भगवान के उपहार है, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी आए आजमगढ़ में, उन्होंने कहा कि कलाकार ये तो भगवान का उपहार होता है, ये तो सौभाग्य है कि कलाकार है। तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हमारे जो भोलेनाथ थे वो तांडव नृत्य करते थे, तो गायन वादन और नृत्य के संयोग से ही तो संगीत बनता है। तो अगर उसपे किसी तरह की इस तरह की बातें जब उठी तो कलाकारों ने भी अपने सम्मान पे ले लिया कि भाई अब तो हम लोग भी दिखाएंगे, और पूरी इंडस्ट्री पूरे कलाकार यूपी बिहार चाहे वो बलिया गाजीपुर जौनपुर आजमगढ़ जहां से जो कलाकार थे सब लोग जो है आकर के आजमगढ़ में एकदम लग गए और बोले कि चलो इनको बताते हैं कि भैया हम लोग आपको अगर गा के आपको आपका प्रचार करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो हम लोग आपको यहाँ से उखाड़ भी सकते हैं। ये इस तरह से वहां पे उतर गए सब कलाकार उतर गए, और साथ में आशीर्वाद था हम लोगों के, जनता का आशीर्वाद था, क्योंकि देखिए इस तरह की जो लड़ाई होती है वो आशीर्वाद से आप जीत सकते हैं। आप जब लोग आशीर्वाद देने लगते हैं ना, लोगों के दिल से निकलने लगता है कि हाँ ये जीत जाए यार, अरे जीत जाए जीत जाए जीत जाए, तो ये यूनिवर्स में जाता है, और फिर वही होता है कि भाई इतने लोग दुआ मांग रहे हैं किसी के लिए कि अरे अब जब काउंटिंग हो रही थी तो जितने लोग देख रहे थे सबके दिल से आवाज निकल रही थी, अरे जीत जा जीत जा, 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 जा बाप रे जीत जा जीत जा, तो वो आशीर्वाद और वो लोगों की दुआ काम आई, तब जाके ये संभव हुआ भैया। सर, आपकी इंडस्ट्री में कई ऐसे भी स्टार्स हैं जो नहीं चाहते थे अब जीते, आपको समर्थन भी अपने तरीके वाली नहीं दिया उन्होंने, ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें, या नहीं, आपको ऐसा लगा? कोई ऐसा स्टार नहीं था जो नहीं चाहता था। मेरे इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा, छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, सब लोगों ने आ जाओ नेट, आ जाओ, दो तीन आखिरी सवाल और बचे हैं। ऐसे ही होता है, कितना बढ़िया चल रहा था ना दोस्तों, बहुत अच्छा लाइव चल रहा था हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सर के साथ, सांसद जी के साथ, और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आप देख रहे हैं इंटरनेट भगवान जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि आज मिलाप हो, भगवान करे आ जाए, वरना अब मेरी हिम्मत नहीं निरहुआ सर को फिर से मैं जोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि क्या करें, फिर जोड़ना चाहिए। राइट, फिर एक बार जोड़ते हैं, क्योंकि आखिरी जो चंद सवाल है दोस्तों वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर एक बार संजय भैया निरहुआ जी, संजय निरहुआ जी जिस नाम से हैं उनको मैंने इनवाइट भेजा है, और फिर एक आखिरी दो सवाल और अगर मिल जाए तो काफी भला हो जाए लोगों का। तो फिर कोशिश है, मैंने इनवाइट उनको भेजी है, सब कुछ ठीक रहा तो जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, वरना फिर किसी और दिन अच्छा खासा नेट के साथ हम निरहुआ सर को साथ लाएंगे, इंटरव्यू करेंगे और ढेरों 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 यहाँ पे बातें करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है दोस्तों कि नेटवर्क की वजह से नहीं रहा है ये लाइव, तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस लाइव को यहाँ पर बंद करना चाहिए, क्योंकि निरहुआ सर ने काफी बार आप सब लोगों से आए, दो बार आए, तीन बार आए, भाई एक सुपरस्टार, एक सांसद भी अब हो गए, कितनी बार आएंगे सोचिए आप। तो मिला जुला
कहानी बस इतनी सी है कि थैंक यू वेरी मच नीरव सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं भी सुन पा रहे हैं तो भी आप द्वारा जो मैंने बातें ये सारी की है, इन सारी ही बातों को मैं अपने देसी भारत के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूंगा। वहां भी जाकर के नीरव सर से क्या क्या बातें हमारी हुई है वो आप देख सकते हैं, वहां पर आप जाकर देख पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर निरहुआ सर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकई में आप जेंटलमैन हैं और वाकई में आप उस लायक हैं जहां इस समय विराजमान हैं, और हम तो आपसे और भी बहुत सारी आशाएं कर रहे हैं। हम तो अब ये भी चाह रहे हैं कि आपको मिनिस्ट्री में भी देखें, वो भी कैबिनेट में। दोस्तों क्या कहते हैं अब, आपके भी मन से यही बातें निकल रही होगी ना निरहुआ सर के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम इस वीडियो का समापन करते हैं दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच निरहुआ सर। सर वंस अगेन आपने हमारे लिए तीन तीन बार कोशिश की, लेकिन अब जब नेट ही नहीं ठीक ठाक है तो किस तरीके से बात हो पाएगी। एंड दोस्तों क्या कह रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं, खुद ही सोचिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और क्या चाहिए। नमस्कार।